Good afternoon, dear students. It's maths time and we were learning division. हम लोग addition, subtraction, multiplication हम सीख चुके हैं. Now we are learning about our division. What is division? What is division? Multiplication was repeated addition. बार बार आप add करेंगे तो group of number को वो क्या था हमारा multiplication. And the division is repeated subtraction. Subtraction करना, subtract करना है number को. तो वो क्या है? Division. Divided into groups. Equal part में आपको divide करना. Like देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 20. ये जो हमारा sign है, ये हमारा sign है division. जब हम ऐसे sleeping line और dot dot बनाते हैं, तो ये हमारा division का sign. ये हमारा addition का sign है. ये हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये है हमारा डिवीजन का साइन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन मींस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो ये यहाँ कैसे करेंगे? जैसे ये हम मैंने लिखा है 20 डिवाइडेड बाय 5. तो 20 हमारा जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाएगा डिविडेंड. जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारा डिवाइजर. और जो हमारे पास आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, उसको कहेंगे हम क्वेश्चन. तो कैसे हम लोग इसको 20 को हमें कितने ग्रुप्स में बांटना है? 5 ग्रुप्स. जो 20 नंबर है, चाहे 20 चॉकलेट समझो, चाहे 20 टॉयज समझो, तो जो 20 टॉयज है हमें उसको 5 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो जब हम इस 20 को डिवाइड करते हैं तो हाउ कैसे हम डिवाइड करेंगे? सबसे पहला मेथड जो हमने सीखा था वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन क्या है बच्चों? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो कैसे उस इस 20 में से 5 को अगेन एंड अगेन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाए, तो जितने टाइम्स ये हो रहा है उतने ही ग्रुप्स में, तो उतने ही जो ईच ग्रुप हैज द थिंग्स लाइक 20 माइनस 5. सबसे पहले हमारे पास 20 है और 5 है, तो 20 से जब हम 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15. फिर 15 माइनस 5, 15 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 10. 10 माइनस 5, 10 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो कितने टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ है? 4 टाइम्स. कितने टाइम हमने 5 को 20 में से सब्ट्रैक्ट किया है? जो नंबर आता गया जब हम उसको सब्ट्रैक्ट रिपीटेड करते रह गए, तो 4 टाइम्स हमारे पास 0 आ गया. इट मींस ईच ग्रुप हैज 5 ग्रुप्स बनाए हमने और हर ग्रुप में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 4. चाहे आप इसको टॉय समझ लो, टॉफी समझ लो, चेयर समझ लो, बलून समझ लो, ये हमारे पास इसको हमने डिवाइड कर दिया है 20 को 5 से और हमारे पास जो आ रहे हैं क्या नंबर आएगा बच्चों? 4. ये 4 हमारा कहलाएगा क्वेश्चन, ये कहलाएगा हमारा डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड. तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए और लर्न रखिए. ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है. ये लिख दिया आपको, बताइए ये इनके ये क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या? तो ये भी ध्यान रखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजन? मीनिंग ऑफ डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ये भी आप ध्यान रखिए. एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों आपको इतना अच्छे से समझाया गया, सिखाया गया? पूरे फर्स्ट में तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सीखा, इसमें भी हमने जो हमारा ईयर का जो हाफ पार्ट था उसमें यही सीखा. क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में आपके बहुत काम आने वाला. टेबल्स मैंने आपको पहले भी कहा था, बिना टेबल आप मल्टीप्लाई और डिविजन नहीं कर सकते. इसलिए आप मल्टीप्लाई और डिवीजन अच्छे से करना चाहते हैं तो टेबल्स को प्रॉपरली लर्न करिए. अब 12 की लर्न करके रखिए, फिर 13 की करिए, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाइए. तो ये हमारा मैंने आपको बताया 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4. ये देखिए 4 टाइम्स इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है. ये हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. और ये किस तरीके से 20 को 5 ग्रुप्स में बांटेंगे? तो कितना ईच ग्रुप हैज 4 नंबर. हमारे हर ग्रुप में ये 4 नंबर आएगा. तो अब एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ. ये तो हमारा हम पहले कर चुके ऑलरेडी है, बस एक
बार लेके आप ले लेते हैं, लाइक टेन डिवाइडेड बाय फाइव। सपोज मैंने यह एग्जाम्पल दिया है टेन डिवाइडेड बाय फाइव, तो टेन जो इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से जब हम करेंगे तो टेन माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो कितने टाइम्स हुआ बेटा ये सब्ट्रैक्ट, हमें कितने टाइम्स किया, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स, तो हमारा आंसर आया टू। अगर हम फाइव का टेबल भी बोलते हैं तो फाइव वन जार फाइव, फाइव टू जार टेन, तो कितने टाइम्स आया टू। तो सबसे जो सब्ट्रैक्शन मेथड का आपको समझाया जा रहा है कि ये रिपीटेड पर सबसे इजीएस्ट मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो टेबल का यूज हम लोग करेंगे, टेबल का यूज करके हाउ टू डिवाइड द नंबर। ये पहले ये स्टार्टिंग हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कर रहे हैं, तो एक नंबर और ले लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 8 की टेबल ही है, एक्चुअल में टेबल ही है, ये टेबल बन गई है। जैसे जैसे आप सब्ट्रैक्ट नीचे आते जाएंगे, जैसे 24 माइनस 8 कितना आएगा 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितने टाइम्स हुआ ये, 1 2 3, तो क्या हो गया हमारा 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। टेबल बोलेंगे तब भी 3 आ रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे तभी हमारे पास 3 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इट मींस जो हमारा जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा वो 3 होगा। आ रही है समझ में आपको? इस तरीके से पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सीखिए, फिर हम लोग डॉट जो डॉट ग्रुप इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना, हाउ टू डिवाइड इट इन इक्वल ग्रुप्स वो भी देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फिर हम चलेंगे, ये हम कर चुके हैं पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 लाइक 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ग्रुप्स कितने बनाने हैं, 2, 2 ग्रुप्स, ये जो हमारा नंबर है 2 ग्रुप्स। अब 2 की टेबल में, 2 की टेबल बोलिए या इस तरीके से करिए, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 1, 2 और 3 इज इक्वल टू 3, तो हमें 2 ग्रुप्स में कितने डॉट लगाने हैं। आया आपको समझ में, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हम पहले तो या तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से हम लोग इसको ले आएंगे नंबर, कितने डॉट्स बनाएंगे ग्रुप, तो हमें जो नंबर दिया है उतने ग्रुप्स बना लो, 2 है तो 2 ग्रुप्स बना लो। अब उनमें 6 को उन ग्रुप्स में कितने नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमें देखना है, तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ कितने नंबर आए 3, तो इक्वली कितने नंबर डिवाइड हो गए ईच ग्रुप में, कितने ऑब्जेक्ट आएंगे 3, तो 1 2 3 ये हमने डॉट यहाँ पे लगा दिया। सिंपल टेबल के मेथड से जाना जाए तो 2 की टेबल बोलिए, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, कितने टाइम्स आए 2 की टेबल में 6, 3 टाइम्स, हमने यहाँ 3 लिख दिया और 3 लिखने के साथ ही हमने इस ग्रुप में 3 3 डॉट्स लगा दिए। दो टू मेथड्स आप आज सीख लीजिए, रिपीटेड एडिशन है, ये जो डॉट वाला जो है सेम है, 8 डिवाइडेड बाय 2, अब 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर आएगा 4। ग्रुप्स कितने बनाने, 2, तो हमने 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बना दिए। ईच ग्रुप का हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, कितने डॉट लगाने, 4 ये लगा दिए हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरा सॉल्व करेंगे आप, या तो आप ऐसे सॉल्व करें या टेबल बोले, किसका टेबल बोलना है, 2 का, तो बोलिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। ग्रुप बनाने हमें 2, और ईच ग्रुप में हमें डॉट्स कितने बनाने हैं, जो हमारा आंसर है, तो 4 4 हमने, और इनको काउंट कर लेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा नंबर 8। इस तरीके से ये टू मेथड्स हमने सीखे, अब हम कल न्यू मेथड सीखेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरीके से
इसको ये जो सेम है डिवीजन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ये हम लोग लर्न सीखेंगे और कैसे डिवाइड करना है ये भी हम जानेंगे। इसको चाहे मल्टीप्लाई करके करो या डिवाइड करके करो, ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कहलाते हैं ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करिए, टेबल लर्न करिए।